हेलो एवरीवन विजय अकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है तो देखिए हम बात कर रहे थे जीएसटी या गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर हमारी ये चल रही हैं इसमें जीएसटी के पहले हमने क्या समझा था तो सबसे पहले हमने समझा था हमारी पिछली क्लासों में कि टैक्स क्या होता है और फिर हमने समझा था डायरेक्ट टैक्स क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है साथ ही साथ जीएसटी के पहले टैक्स कैसे पे करता था जो विभिन्न प्रकार के टैक्स पेयर थे वो किस प्रकार से आईडीटी का मैकेनिज्म था और कैसे उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स के लिए अलग अलग चीजें होती थी ये सारी चीजें हमने अपनी पिछली क्लासों में कंप्लीट कर ली है एक बार आगे बढ़ने से पहले जो ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं हम उससे हम क्या करते हैं रिवाइज कर लेते हैं दो पांच दस मिनट के अंदर और फिर उसके बाद जो है आगे की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने सवाल ये था कि टैक्स क्या होता है तो हमने ये समझा था कि कोई भी टैक्स जो या तो केंद्र सरकार लगाती है हमारे ऊपर या राज्य सरकार लगाती है ये दोनों ही टैक्स लगाने का पावर सरकारों के पास कहाँ से आया है तो ये दोनों ही टैक्स लगाने का पावर सरकारों के पास आया है भारतीय संविधान से तो भारतीय संविधान ने जो है केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकारों को भी टैक्स लगाने का पावर दिया है और वो पावर जब केंद्र सरकार को मिला राज्य सरकारों को मिला जैसे अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार इनकम टैक्स लगाती है इनकम टैक्स का पावर उन्हें कहां से मिला था भारतीय संविधान से तो फिर उन्होंने क्या करा पावर मिला उस पावर के बेसिस पर उन्होंने क्या बनाया इनकम टैक्स एक्ट बनाया और इनकम टैक्स एक्ट से आज हमको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है तो ऐसे ही वही पावर का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने क्या बनाया जीएसटी बनाया है ना जीएसटी बनाया और जीएसटी अब सरकारें लगाती हैं दोनों ही सरकारें मिलकर के जीएसटी लाई और जीएसटी हमें हमारे ऊपर पे करना होता है तो ये कौन है दोनों ही जीएसटी के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है तो ये पावर के अंतर्गत कोई भी टैक्स लगाया जाता है मतलब अगर सरकार के पास पावर नहीं है मतलब भारतीय संविधान में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है तो वो कोई भी टैक्स वसूल नहीं कर सकते है ना ठीक है तो ये बात हमने समझी थी फिर हमने समझा था टैक्स किसको कहते हैं तो हमने समझा था कि टैक्स एक अनिवार्य शुल्क है या मैंडेटरी मैंडेटरी फीस फीस है है अब फीस का मतलब है कि आप इसको मना नहीं कर सकते मतलब अगर आपके ऊपर टैक्स लग रहा है जैसे जीएसटी लग रहा है तो आप जीएसटी को पे करना ही पड़ेगा ये कंपल्सरी है आप इसके लिए मना नहीं कर सकते कि मेरे को जीएसटी नहीं पे करना मतलब आप इस तरह से नहीं कह सकते अगर आपके ऊपर ये टैक्स लग रहा है तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा अगर आपके ऊपर इनकम टैक्स लग रहा है तो आपको इनकम टैक्स भी पे करना पड़ेगा आप इसके लिए मना नहीं कर सकते आ, ऐसा नहीं किया जा सकता तो ये क्या है एक मैंडेटरी चार्ज है क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है तो ये हमने डिटेल में समझा था फिर इसके बाद हमने समझा था प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस व्यक्ति पर ये कर लगता है वही व्यक्ति क्या करता है सरकार को पे करता है जैसे हमने हमने समझा समझा था था इनकम टैक्स के अंदर क्या समझा था? हमने सैलरी का एग्जाम्पल लिया था कि जिस व्यक्ति की सैलरी जितनी ज्यादा होगी उसको फिर उस पर इनकम टैक्स पे करना होगा ठीक है तो ये हमने समझा था कि उनको टैक्स पे करना होगा तो वही व्यक्ति टैक्स पे करता है जिस पर ये लगाया जाता है जैसे इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स वेल्थ टैक्स क्या लगता था जो वेल्थी पर्सन होते थे मतलब जिनके पास बहुत अच्छी असेट होती थी उस पर लगता था अब ये टैक्स अस्तित्व में नहीं है सरकार ने इसे हटा दिया है ठीक है तो ये हमने समझा था डायरेक्ट टैक्स मतलब वह टैक्स जो पे करने वाला व्यक्ति डायरेक्टली किसको भुगतान करता है सरकार को भुगतान करता है जैसे अपनी सैलरी के ऊपर पे करने वाले लोग इनकम टैक्स इस पर हमने एग्जाम्पल लिया था अमित जी का कि अमित जी के दस की दस लाख की सैलरी पांच लाख तक कोई टैक्स नहीं दिया उन्होंने फिर पांच लाख से ऊपर पर उन्होंने एक लाख रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डायरेक्टली पे करा था इसके बाद हमने समझा था इनडायरेक्ट टैक्स तो इनडायरेक्ट टैक्स मैं एकदम स्पीड में बता रहा हूं क्योंकि हमने ऑलरेडी इस पर अः वीडियो बनाकर रखा है और आप आपने उसको देखा होगा और अगर नहीं देखा हो तो वो वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा क्योंकि हमने डिटेल डिस्कशन इस पर ऑलरेडी कर चुके हैं तो अब टाइम ना लेते हुए मैं एक बार बस चीजों को आपको रिकॉल करा रहा हूँ है ना तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा स्पीड इस अप है तो हमारी पिछली क्लास को आप जरूर से देख लेना पहले है ना फिर आगे की क्लास कवरअप करना ठीक है तो अब बात आती है इंडायरेक्ट टैक्स की तो इंडायरेक्ट टैक्स क्या टैक्स होता है इंडायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जो पे कोई ओवर करता है मतलब सरकार को या जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसे पे ओवर कोई करता है मतलब जीएसटी के, के केस में पे कौन करता है पे करता है सेलर है ना पे कौन करेगा सेलर विक्रेता पे करता है और ये किसी से वसूल करता है तो ये वसूल करता है जो कंज्यूमर है एंड यूजर है उनसे या कंज्यूमर है उनसे वसूल करके सरकार को पे करता है मतलब पे करने वाला कोई और व्यक्ति है और उसे बियर करने वाला उसका भार झेलने वाला कोई और व्यक्ति है तो उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स ठीक है तो इनडायरेक्ट टैक्स सरकार को पे कौन करता है विक्रेता करता है जबकि इसका भार किस पर जाता है कंज्यूमर पर जाता है, है ना उपभोक्ता पर जाता है तो ये चीजें समझी थी फिर इसके बाद हमने इसका अंदर समझा था सबसे पहला अंतर तो मतलब आपकी इनकम जाएगी, वैसे वैसे आपके ऊपर लगने वाला टैक्स भी बढ़ते जाएगा और उसकी रेट भी बढ़ते जाएगी अप्रत्यक्ष कर क्या है अप्रत्यक्ष कर एक रिग्रेसिव प्रकृति के टैक्स होते हुआ यहां पर रिग्रेसिव नेचर का ये मतलब हुआ कि भैया टैक्स तो लग रहा है बट इसमें कोई अंतर नहीं देखा जाता है किसी व्यक्ति की कोई इनकम नहीं देखी जाती है, है। कि विवेक जो है जिनकी सैलरी पर मंथ ढाई लाख रुपए है काफी अच्छी सैलरी है दोनों ही लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और उन पर अट्ठारह की जीएसटी से एक मिस्टर ए को भी पे करना पड़ा रेस्टोरेंट के बिल के साथ और विवेक जी को भी एक सौ जीएसटी के रूप में पे करना पड़े ठीक है एक एग्जाम्पल के लिए मैंने अट्ठारह परसेंट रखा क्योंकि ये रेट सबसे ज्यादा हमारे सामने आती है तो इसलिए मैंने ये रखा

होता है क्या रिग्रेसिव टैक्स का नेचर मतलब इसमें क्या देखते हैं इसमें वस्तु मतलब सर्विस और गुड्स है ना सेवा और वस्तु इन दोनों पर ये टैक्स लगता है व्यक्ति की इनकम को इसमें ध्यान में नहीं रखा जाता है तो इसीलिए जब भी सरकारें इनडायरेक्ट टैक्स की रेट बढ़ाती है तो उसका आहार सब पर पड़ता है और सबसे ज्यादा दिक्कतें किसे आती है गरीब व्यक्ति को या वहा व्यक्ति जिसकी इनकम कम होती है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इनकम कम होती है और अब उन्हें टैक्स का भार भी झेलना होता है जैसे एक सौ अस्सी रुपए एक सौ अस्सी रुपए इस व्यक्ति के लिए तकरीबन तकरीबन इसके एक एक दिन की सैलरी होगी और इस व्यक्ति के लिए शायद कुछ मिनटों की सैलरी होगी तो ये फर्क आता है तो इसलिए सरकारें इनकम टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको बढ़ाती समय ध्यान ज्यादा रखती हैं ठीक है इंपोजिशन मतलब किस पर लगता है अधिरोपण किस पर होता है तो देखिए इस ये डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो आय और लाभ पर मतलब इनकम और प्रॉफिट्स पर लगते हैं जबकि जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं वो किस पर लगते हैं वस्तु और सेवाओं पर लगते हैं ठीक है इन पर लगते हैं करदाता मतलब जिस व्यक्ति पर लगता है वही व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से चुकाता है जिसमें इसमें क्या होता है इसमें जो एंड यूजर कंज्यूमर होता है इनडायरेक्ट टैक्स में वो पे करता है ठीक है कर का भार कर का भार किस पर आता है टैक्स बर्डन किस पर आता है तो टैक्स बर्डन उसी व्यक्ति पर आता है जिसकी इनकम हुई है है ना डायरेक्ट टैक्स में हमने सैलरी वाला एग्जांपल समझा था और आप प्रत्यक्ष कर में क्या होता है ट्रांसफर होते होते कहा पहुंच जाती है केस ट्रांसफर होते होते अंतिम यूजर पर जैसे हमने समझा था कार का एग्जाम्पल की जो कार का एग्जाम्पल लिया था वो ढाई लाख रुपए दो लाख अस्सी हजार रूपये जो टैक्स दिया था वो एंड यूजर ने दिया था है ना हस्तांतरणशीलता ट्रांसफरेबिलिटी मतलब क्या टैक्स को ट्रांसफर किया जा सकता है जो टैक्स का भार आया है तो डायरेक्ट टैक्स में ये पॉसिबल ही नहीं है आपकी सैलरी है आप पे करो जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में ट्रांसफर होते होते कहाँ पहुंच जाता है फाइनल कंज्यूमर के ऊपर सारा हो जाता है कवरेज मतलब कितने लोगों को कवर करता है तो देखिए डायरेक्ट टैक्स कम लोगों को कवर कर पाता है क्यों क्योंकि ये किस पर बेस्ड होता है इनकम पर तो अब जब इनकम ही ज्यादा नहीं है जैसे अभी इंडिया क्या है एक मिडिल इनकम इनकम वाला देश देश है या कम वाले देश को कैटेगरी में आता मतलब हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों की सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है ज्यादातर लोगों की जो इनकम है वो बहुत ज्यादा नहीं है तो डायरेक्ट टैक्स का जो कवरेज है वो सीमित होता है जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का कवरेज क्या होता है व्यापक होता है क्यों हो व्यापक होता है अगर कोई दस रुपए का सामान खरीदेगा तो भी उस पर जीएसटी आसानी से जा सकता है ठीक है इन्फ्लेशन डायरेक्ट टैक्स क्या करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन कम करता है क्यों करता है क्योंकि लोगों के पास पैसे कम होते हैं इसका एग्जाम्पल हमने ये लिया था कि जैसे टैक्स रेट बढ़ जाएगी लोगों के पास सैलरी कम हो, कम बचेगा पैसे खर्चा करने को और इन्फ्लेशन जो आप प्रत्यक्ष कर क्या है इन्फ्लेशन का नेतृत्व करता है मतलब जैसे ही आप प्रत्यक्ष कर बढ़ाते हैं इनकम टैक्स बढ़ जाता है और इसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया था कि पेट्रोल डीजल का रेट जब जब सरकार उस पर पेट्रोल के ऊपर अपनी एक्साइज अपना टैक्स बढ़ाती है ड्यूटीज बढ़ाती है तो उसका इम्पेक्ट क्या आता है उसका इम्पेक्ट क्या आता है कि महंगाई बढ़ जाती है तो ये सारी चीजें समझी थी हमने ये सारी चीजें समझी थी इसका ये ग्राफ भी समझा था और ये ग्राफ से मैंने आपको कहा था कि चीजें और आसानी से आपको समझ में आएंगी ये ग्राफ उसमें पूरी आपकी मदद करेगा तो ये ग्राफ क्या बोल रहा था कि देखो टैक्स बर्डन किसके ऊपर है प्रत्यक्ष कर में जो व्यक्ति पे कर रहा है देखिये उसी की पीठ पर सारा टैक्स लदा हुआ है जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है इनडायरेक्ट टैक्स में देखिये वो टैक्स की बर्डन किसको पकड़ा रहा है व्यक्ति ये दूसरे व्यक्ति को हाथ में दे रहा है है न तो टैक्स का बर्डन यहाँ पर क्या होता है ट्रांसफर हो जाता है कहाँ तक ट्रांसफर होता है फाइनल

वेट और सर्विस टैक्स ये सारी चीजें थी उसके पहले कई सारे रिटर्न थे कई सारे कंप्लायसेस थे उन सब को हटा करके अब एक कम्प्लायसेस और एक चीजें आई ठीक है तो ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में कंप्लीट करी थी ठीक है एक बार मैं आपको प्री वाला भी दिखाई देता हूं ताकि जो हमने समझा था क्लास में उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आपको और चीजें आसानी से समझ में आए तो मैं उसकी स्लाइड आपके साथ शेयर करता हूं ताकि हम याद कर ले उसको भी और फिर आगे की बात करते हैं То дикі. हमने ये बात करी थी हमने क्या बात करी थी हमने ये बात करी थी कि भैया जब एक जुलाई 2017 को एक जुलाई 2017 को जो जीएसटी लागू हुआ उस जीएसटी लागू होने के पहले क्या थी उस जीएसटी लागू होने के पहले स्थिति कुछ ऐसी थी मतलब कैसी थी कि अगर कोई उत्पादन कर रहा है तो उसको एक्साइज ड्यूटी पे करना है अगर कोई सेल कर रहा है तो उसको वेट पे करना है उसको सर्विस टैक्स पे सी एस पे करना है सेंट्रल सेल्स टैक्स पे करना है अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है अगर कोई व्यक्ति सेवा दे रहा है सर्विस दे रहा है तो उसको सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा तो अब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के पेमेंट की अपनी ड्यू डेट थी तो वो आपको कंप्लाइंस करनी पड़ती थी उसके अपने रिटर्न होते थे वो आपको रिटर्न भरने होते थे उसके हिसाब से आपको बुक्स रखनी पड़ती थी ताकि आप उसका सही से कैलकुलेशन कर सकें इसी प्रकार से सेल टैक्स आता था आप अगर कोई सेल कर रहे हैं तो उस पर आपको क्या देना पड़ेगा विक्रय कर रहे हैं तो आपको उस पर या तो वेट देना पड़ेगा या सी एस हो गया तो अब इसके पेमेंट का अपना मैकेनिज्म था सी एस uh, का अपना पेमेंट की डेट और ड्यू डेट थी उस पर आपको टैक्स का पेमेंट करना था इन वेट के अपने रिटर्न जाते थे सी के मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स के

तो अब दिक्कत क्या थी इस व्यापारी के लिए अपना व्यापार तो करना ही था, साथ में ये सारी भी मैनेज करनी पड़ रही थी तो चार -चार, पाँच -पाँच तो आपको यहीं दिख रही है और भी कई सारे कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे वो सारे इनडायरेक्ट टैक्स का कंप्लायंस अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था तो सरकार ने क्या करा सरकार ने एक जुलाई 2017 को एक एक्ट लाए अस्तित्व में और उसका नाम क्या था जीएसटी इससे क्या हुआ इससे जो सत्रह तरह के अप्रत्यक्ष कर थे और तेईस तरह के जो उपकर थे वो सब किसमें शामिल हो गए वो सब शामिल हो गए जीएसटी में और अब आपको केवल जीएसटी के ऊपर फोकस रखना था तो अब अगर आप कोई उत्पादन कर रहे हैं अगर आप कोई विक्रय कर रहे हैं या आप कोई सर्विस दे रहे हैं सब पर आपको अब आप क्या देना है अब आपको सब पर ही जीएसटी देना है केवल जीएसटी का एक बार में आप पेमेंट कर देंगे उन सब की एक बार में रिटर्न फाइल हो जाएगी और बुक्स भी बन जाएगी तो अब यहां पर देखिए चार चार पांच पांच तरह की बुक्स रिटर्न की बजाय अब क्या हो गया अब जीएसटी आ गया तो इसीलिए जीएसटी को एक क्रांतिकारी बदलाव कहते हैं टैक्स रिफॉर्म कहते हैं तो इसलिए ही कहते हैं क्योंकि देखिए ना इतने सारी कंप्लायसेस की जगह केवल अब एक कंप्लायसेस करना था तो हमने इसको डिटेल में समझा था आ, अपनी पिछली क्लास में है ना तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया और ये सब पुराने एक्ट थे अब इनकी बजाय क्या आ गया है अब इनकी जगह आ गया है जीएसटी तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में कवर कर ली थी तो ये पूरा रिवीजन मैंने आपको करा दिया लास्ट क्लासों का अब अपनी आ जाते हैं वापस से मेन क्लास पर उसको कवर अप करते हैं और चीजों को कंप्लीट करते हैं तो चलिए अब मैं स्लाइड आपके सामने वापस से नोट्स की शेयर करता हूं तो देखिए ये था सत्रह तरह के क्या थे अप्रत्यक्ष कर और तेवीस तरह के उपकर इसके स्थान पर क्या आ गया इसके स्थान पर एक टैक्स आ गया और उसका नाम क्या था जीएसटी मतलब एक फिल्म में अब एक हीरो था लीड हीरो और उस लीड हीरो का नाम इस आईडीटी में अब क्या हो गया उस लीड हीरो का नाम उस लीड हीरो का नाम हो गया जीएसटी ठीक है ये मेन हीरो आ गया है अब ठीक है तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी ये सारी चीजों को हमने हमने कवर अप किया था और मैंने आपको कहा था कि इस पर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पिक कर सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है

सरल शब्दों में जीएसटी एक ऐसा कर है जो प्रतिफल या कीमत के बदले माल सेवा या दोनों की पूर्ति अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड एक, एक्ट में डिफाइन किया गया है वो क्या डिफाइन किया गया है सप्लाई पूर्ति जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं पूर्ति तो आप कोई भी चीज आप करेंगे तो उसको जीएसटी के अंदर क्या बोला जाएगा उसको जीएसटी के अंदर बोला जाएगा सप्लाई मतलब हर एक चीज का जो अल्टरनेट है उन्होंने किस वर्ड से डिनोट कर दिया उसको बोल दिया है सप्लाई मतलब अगर आप सेल कर रहे हैं आपने सेल करा तो हम क्या बोलेंगे विक्रय करा पर जीएसटी की नजर में उसको क्या बोला जाएगा सप्लाई ठीक है अगर आप सेवा दे रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे हमने सर्विस दी हमने क्या दी सेवा दी सर्विस दी अगर जैसे मान लो कोई इंजीनियर है उसने एक नक्शा बना करके दिया या आप एक सल्यून में गए और आपने अपने बाल कटवाए या मेकअप करवाया तो अब अब आप उसको क्या बोलेंगे क्या उसने कुछ माल बेचा तो नहीं आप बोलेंगे सर उन्होंने अपनी सर्विस दी मेकअप की सर्विस दी बट जीएसटी के नजर में उसको क्या बोला जाएगा सप्लाई बोला जाएगा ठीक है एक कार मैन्युफैक्चरर ने कार बनाई जैसे टाटा कंपनी ने क्या बनाई टाटा कंपनी ने अपनी एक ये ट्रक बनाया टाटा कंपनी ने ये ट्रक बनाया तो अब हम इसको क्या बोलेंगे कि ट्रक बनाया उन्होंने ट्रक का उत्पादन करा बट इस उत्पादन को भी जीएसटी की नजर में क्या बोला जाएगा सप्लाई तो हर एक चीज को यहाँ पर किस नाम से डिनोट किया जाता है इसको डिनोट किया जाता है सप्लाई के नाम से बस और कोई फर्क नहीं जैसे अभी हम बोलते थे हमने माल बेच दिया विक्रय कर दिया अगर हम जीएसटी में उसको बात करेंगे तो उसको क्या बोला जाता है सप्लाई कि अगर आपने कोई भी काम करा है आपने कोई सेल करी है आपने कोई सेवा दी है या आपने कोई उत्पादन करा है या आपने कोई बाटर करा है एक्सचेंज करा है सप्लाई की है तो उस सब को हम क्या बोलते हैं उन सारी ही चीजों को एक्ट में बोला जाता है जीएसटी के अंतर्गत क्या बोला जाता है सप्लाई कि आपने क्या करा है सप्लाई करा है अब जैसे ही हम सप्लाई करते हैं जैसे अभी हम पहले क्या करते थे सेल करते थे तो सेल पे टैक्स लग जाएगा सेवा देते थे सेवा पे टैक्स लग जाएगा उत्पादन करते थे उत्पादन पे टैक्स लग जाएगा तो अब उसको क्या बोल दिया सप्लाई बोल दिया तो जैसे ही आपने सप्लाई करी मतलब जैसे अगर आप माल बेचने वाले एक आ, क्या है रिटेलर है ठीक है इसको यहाँ पर ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ है ना तो मैं बोलूंगा और आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना आ जाए इसलिए यहाँ पर एक शॉप ले लेते हैं ये शॉप है अब ये शॉप किसकी है तो ये शॉप है इसकी विवेक जी की ठीक विवेक जी की ये शॉप है अब विवेक जी की ये दुकान है विवेक जी क्या है तो विवेक जी एक दुकानदार है ये ग्राहक है ग्राहक का नाम क्या है ग्राहक का नाम है मिस्टर अमित अमित जो है इनकी दुकान पर आए इन्होंने इनकी दुकान पर ये विवेक जी दुकान के अंदर पहुंच गए और विवेक जी ने इनको माल कितने का दिया पांच रुपए का माल बेचा पाँच रुपए का माल सेल किया तो अब हम क्या बोलेंगे हमने पांच रुपए का माल बेच दिया है ना बट अगर हम इस पर जीएसटी लगेगा अब सपोज करिए या हमने हजार रुपए का माल बेचा कितने का बेचा एक हजार रुपए का माल और इस एक हजार रुपए के माल पर जीएसटी की रेट कितनी है सपोज करिए जीएसटी की रेट है अठारह परसेंट है ना इजी कैलकुलेशन के लिए तो अब ये जो माल इन्होंने सेल करा है इसको जीएसटी लगाने के समय हम क्या बोलेंगे इस सेल को इस सेल को ही बोला जाएगा क्या सप्लाई इस सेल को ही क्या बोलेंगे सप्लाई पूर्ति मतलब क्या है अब हम सेल ना बोलते हुए उसकी जगह क्या बोल देंगे जीएसटी के समय जीएसटी में जब हम बात करेंगे तो उसको बोल देंगे सप्लाई कि हमने क्या कर दी हमने सप्लाई कर दी और इस पर क्या लग जाएगा जीएसटी लग जाएगा बस और कुछ नहीं करा है इस एक्ट में इस एक्ट में हर एक बात को क्या किस बात से डिनोट किया है जब भी हम ऐसा कोई काम करेंगे तो उसको बोल देंगे सप्लाई अब क्या करेंगे अब विवेक जी विवेक जी बोलेंगे देखिए सर एक हजार रुपए का तो आपका ये माल था इस पर अट्ठारह परसेंट की दर से एक सौ अस्सी रुपए क्या हो गया जीएसटी हो गया तो आप जीएसटी मिला करके मुझे कितने दे दीजिए ग्यारह सो अस्सी रुपए दे दीजिए तो ये जो सेल करी है हम इसको क्या बोल देंगे हम इसको बोल देंगे सप्लाई है ना तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएसटी में जब भी कोई चीज की पूर्ति की जाती है तो उसे क्या बोला जाएगा जब भी किसी चीज को सेल किया जाता है तो उसे क्या बोला जाएगा तो उसे सप्लाई बोला जाएगा जब भी कोई सेवा दी जाती है तो उसे जीएसटी में क्या बोला जाएगा सप्लाई बोला जाएगा है ना तो हर एक चीज को सप्लाई से डिनोट करा है ठीक है तो अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं चीजों को और आसान समझने के लिए ये समझ में आया अब एक और एग्जाम्पल देखिए इधर अब ये है मिस्टर मिस्टर बी मिस्टर बी मिस्टर बी क्या है तो मिस्टर बी एक इंजीनियर है ना आर्किटेक्ट है, है. बढ़िया से बढ़िया बढ़िया नक्शे बनाते हैं घरों के लिए ये मिस्टर ए है ये इनका ऑफिस है मिस्टर बी है सॉरी अब मिस्टर बी के पास कौन आए मिस्टर जेड मिस्टर जेड क्या है तो मिस्टर जेड का मिस्टर जेड जो है उनका उद्देश्य क्या है उनको एक घर बनाना है घर बनाना है तो ये मिस्टर बी के पास आए और इनसे कहा कि आप मेरे घर का नक्शा बना दीजिए बढ़िया से तो उन्होंने कहा ये इनकी रिक्वेस्ट लेकर के आए कि आप एक नक्शा बना करके मुझे दे दीजिए मिस्टर बी ने उन्हें एक बढ़िया सा नक्शा बना करके दे दिया ये घर का नक्शा बना दिया इन्होंने कि देखिए ये घर है बढ़िया सा है इसके आगे ये गार्डन है यहाँ पर देखिए आप ऐसा पेड़ लगा लीजिएगा ये है आपका घर ठीक है ये टेरिस बन यहाँ ये बन जाएगा पर बालकनी दे दी मैंने ये इन्होंने घर बनाकर दे दिया ये क्या दे दिया इन्होंने बना करके ये बना करके नक्शा दे दिया पेपर पर मिस्टर जी ने बोला बहुत बढ़िया इसके बदले में मिस्टर जेड ने क्या पे करा इनको पे करा दस हजार रुपए

11,800 रुपए तो अब जो मिस्टर बी ने यहाँ पर दी है नक्शा बना करके मिस्टर जेट को क्या कोई माल बेचा है क्या कोई उत्पादन करा है नहीं इन्होंने क्या दी है इन्होंने दी है सेवा इन्होंने क्या दी है सेवा सर्विस क्या दी है सर्विस दी है तो अभी सर्विस को हम इसे नॉर्मली क्या बोलते हैं कि आपने क्या सर्विस दी आपके सर्विस चार्ज बता दीजिए सर बट जीएसटी की नजर में इसको क्या बोलेंगे जब हम इस पर जीएसटी लगाना होगा तो इसे क्या बोलेंगे इसको हम बोल देंगे सप्लाई क्या बोल देंगे हम इसको हम इसको बोल देंगे सप्लाई ठीक है इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम सप्लाई ठीक है समझ में आया एग्जाम्पल नंबर टू कि क्या बोलना है सप्लाई बोलना है कुछ भी करो आप क्या बोलोगे इसको सप्लाई बोलोगे इसके अलावा और कुछ नहीं है ना आप काम मतलब कुछ भी कर रहे हैं आप चाहे क्या कर रहे हो चाहे आप उनको कोई कोई माल बेच रहे हो या कोई सर्विस दे रहे हो आपको बोलना क्या है आपको बोलना है सप्लाई बात समझ में आ गई समझ में आया तो उसको हम क्या बोल देंगे उसको हम बोल देंगे सप्लाई ठीक है कंसेप्ट क्लियर हुआ पूरा एक और एग्जाम्पल ले लें एक और सा ठीक है ताकि चीजें और आसानी से समझ में आ जाए तो एक और एग्जाम्पल ले ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो अब देखिए एक और एग्जाम्पल एग्जाम्पल नोट कर लिया होगा अब एक और सर्विस का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ये है 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 क्या ये है है ये तो ये हमारी शॉप 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 किसकी तो थोड़ी शॉप छोटी कर देते हैं ताकि एक और पार्टी आ जाएगी सामने ये है शॉप ये शॉप किसकी है तो ये शॉप है मिस्टर डी की ये रहे मिस्टर डी मिस्टर डी क्या है तो मिस्टर डी एक प्रोफेशनल क्या है हेयर हेयर कटर मतलब वो एक हेयर uh, सलून uh, के मालिक हैं इनको प्रोफेशनली कॉस्मेटिक और सब काम आता है बढ़िया से ठीक है मिस्टर डी मिस्टर डी के पास कौन आए तो मिस्टर डी के पास आई मैम ठीक है मिस्टर uh, आए मिस्टर कौन आए मिस्टर मिस्टर आर मिस्टर आर मिस्टर आर क्या है तो मिस्टर आर बढ़िया से व्यक्ति है इनकी आज शादी है तो ये इनके पास आए मिस्टर डी के पास कि सर मेरा बढ़िया सा मेकअप कर दीजिए प्रॉपरली सब चीजें कर दीजिए ठीक है इन्होंने क्या करा इन्होंने मिस्टर जेड को बढ़िया से तैयार करा उनका मेकअप किया एकदम तैयार किया बाल काटे व्यवस्थित उनको तैयार कर दिया और वो अपने चले गए कहा अपनी शादी के फंक्शन में अब जो यहाँ पर मिस्टर डी ने इनको सर्विस दी इनके शॉप में यहां पर सलून में इसके बदले में इन्होंने क्या करा इसके बदले में इन्होंने इनको बिल भेजा कितने का इन्होंने बिल भेजा इनको बीस हजार का कितने का बिल भेजा बीस हजार का प्लस क्या करेंगे इस पर जीएसटी लगाएंगे कितने परसेंट से जीएसटी लगाया सपोज करिए जीएसटी लगाया कितने से जीएसटी लगाया अठारह परसेंट से तो कितना जीएसटी हो गया अट्ठारह परसेंट से छत्तीस सौ रुपए का तो छत्तीस सौ रुपए का क्या हो गया जीएसटी हो गया तो ये जीएसटी हमने इसमें जोड़ दिया तो कितने का बिल बन जाएगा तेवीस हजार छह सौ रुपए का तो अब यहां पर जो इन्होंने कॉस्मेटिक मतलब इनको मेकअप करने की सर्विस या बाल काटने की सर्विस के जो ये पैसे लिए हैं इस पैसे को क्या बोला जाएगा इन्होंने क्या दी है इन्होंने दी है सेवा है ना इन्होंने क्या दी है इनको इनको दी है मिस्टर आर को क्या दी है मिस्टर आर को दी है सेवा और उस सेवा के कंसिडरेशन में इनको या पैसे मिले हैं, तो इस सेवा देने को क्या बोलेंगे सप्लाई के अंदर जीएसटी के अंदर सप्लाई क्या बोलेंगे इसको हम सप्लाई कि क्या कर रहे हैं हम हम कर रहे हैं सप्लाई कंसेप्ट समझ में आया पूरा जो मैं कहना चाहता हूँ आपको ठीक है समझ में आया कंसेप्ट मेरा क्या कहना चाहता हूं मैं मैं कहना क्या चाहता हूं आपको कि कभी भी मतलब अगर हम आज तक जो बातें करते आ रहे थे मतलब जो हमारे सामान्य जीवन में हम बात करते आते हैं कि ऐसा है मतलब अगर आपने कोई माल बेचा है तो हम उसको बोलते थे हमने सेल करा है जो भी अभी तक हमने अकाउंटिंग अकाउंट्स में जब भी आपने अकाउंट्स में देखा होगा तो आपने पाया होगा कि हम क्या बोलते हैं उसको कि हमने उधार माल बेचा है हमने माल सेवा दी है सर्विस दी है तो वो सारी चीजों को जीएसटी सिंप्लीफाई करना चाहता था क्योंकि इसके पहले जो एक्ट थे जैसे मैंने बताया एक्साइज ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी में जो उत्पादन की डेफिनेशन थी उत्पादन प्रोडक्शन की डेफिनेशन किसको उत्पादन बोलेंगे किसको उत्पादन नहीं बोलेंगे उस पर इतने ज्यादा केस थे जिसका जवाब नहीं मतलब सबसे ज्यादा अगर डेफिनेशन ही दिक्कत दे रही थी तो कौन सी दे रही थी उत्पादन की डेफिनेशन मतलब इसी बात पर आ, हर दम डिपार्टमेंट और जो टैक्स पेयर है उनके बीच में क्या होती थी लड़ाइयाँ होती थी कि वो ये बोलते थे कि इसको उत्पादन कैसे माने इसको उत्पादन ही नहीं माना जाएगा हर एक चीज पर अभी मैं वहां पर जाऊंगा तो वो पॉइंट अब उसका उतना रिलेवेंट नहीं है तो इस पर डेफिनेशन किस पे होती थी, थी? एक्साइज ड्यूटी में उत्पादन की ठीक है किसको कहा जाएगा ड्यूटी में manufacturing किस बात को कहा जाएगा ये ये बात बात पर पर क्या होती थी ये बात पर, आ, सबसे ज्यादा थे आ, ड्यूटी में अगर आपने कभी देखा होगा तो आपने ये पाया होगा कि सबसे ज्यादा अगर जो लड़ाइयाँ थी वो इस कंडीशन पे थी कि उत्पादन किसको कहेंगे टैक्स पेयर बोलता था कि ये बात उत्पादन है और डिपार्टमेंट उत्पादन नहीं है और डिपार्टमेंट कहते थे उत्पादन है तो इन सब दिक्कत को, इन सब समस्याओं को जो पिछले साठ सालों से सत्तर साल में जो आ, देश में इनडायरेक्ट टैक्स में जो तो मतलब पेयर दिक्कत करता है कहाँ दिक्कतें हैं उन सारी दिक्कतों का हल उन्होंने निकालती समय जब जीएसटी बनाया गया तो ये सारी समस्याओं को हल निकालने के लिए सरकार ने क्या करा हर एक बात को क्या बोल दिया सप्लाई बोल दिया आप कुछ भी करो सरकार इसमें लड़ी नहीं रही है मतलब सरकार ये बोली नहीं रही है कि आप गलत बोल रहे हो सरकार बोलती है आप सेवा दे रहे हो सरकार बोलती है हाँ आप सेवा दे रहे हो सही बोल रहे हो मतलब पहले क्या था पहले कुछ ऐसी सिनेरियो था कि हम बोलते थे ये उत्पादन नहीं है कोई चीज को इसको ऐसे समझिए कि हम बोलते थे उत्पादन नहीं है टैक्स नहीं लगेगा और सरकार बोलती थी ये उत्पादन है टैक्स लगेगा ठीक है अब सरकार क्या बोलती है आप इसको क्या बोलेंगे आपने ये माल बेचा है आप इसको क्या बोलेंगे तो टैक्सपेयर अगर इसको बोल देगा कि ये मैंने सेल करी है कोई सेवा नहीं दी है मैंने तो सेल करी है मैंने उनको कॉस्मेटिक जो लगाया है उनके मुंह पर मतलब जो मेकअप लगाया है उसकी सेल करी है विक्रय करी है तो सरकार बोल देगी हाँ ये ही है हम नहीं बोल रहे कि ये विक्रय नहीं है बट ये विक्रय भी क्या आएगा सप्लाई में आएगा तो सप्लाई की डेफिनेशन को सरकार ने इतना बड़ा कर दिया कि आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे अगर उसमें सरकार को लगता है कि कुछ पैसे मिल रहे हैं तो सरकार जीएसटी लेने वहां आ जाती है सिंपल तो कोई भी बात मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है इन दस मिनट को देने का कि जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो अगर वो कोई भी एक्टिविटी दे आपको तो वो काय में आएगी वो सप्लाई में आएगी ठीक है इसके कुछ एक्सेप्शन है कुछ चीजें हैं है ना इसके कुछ शेड्यूल है वो सारी चीजों को आ, लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे और समझा देंगे कि आ, ये ये चीजों को सप्लाई की आ, उससे बाहर रखा गया है वो एक अलग पार्ट है बट अगर हम एक एक नजर में मतलब अगर हम उन सब चीजों को एक्सेप्शन को और वो सारी चीजों को अलग रखें और एक बात में अगर हम पूछे कि सप्लाई क्या है तो हर एक एक्टिविटी मतलब एक टेक्स पेयर जो भी एक्टिविटी करेगा वो सारी एक्टिविटी को हम क्या कह सकते हैं उस सारी एक्टिविटी को हम सप्लाई कह सकते हैं ठीक है समझ में आई बात तो मतलब जब भी जो सेल करेंगे परचेस करेंगे उसको किससे डे डिनोट किया जाता है सप्लाई से तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब एक व्यक्ति द्वारा किसी चीज का विक्रय किया जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे जीएसटी में तो उसे सप्लाई कहेंगे जब एक व्यक्ति द्वारा सेवा दी जा रही है तो उसे क्या कहेंगे उसे कहेंगे सप्लाई कहेंगे जब कोई बाटर कर रहा है अब बाटर का मतलब क्या होता है कि आप भी इधर से माल दे रहे हैं मतलब आप भी क्या दे रहे हैं कुछ गुड्स दे रहे हैं मैं भी उधर से कुछ गुड्स दे रहा हूँ तो उसको बोलते हैं बाटर है ना बाटर दे रहे हैं मतलब मैंने भी आपको कुछ दे दिया आपने मुझे कुछ दे दिया हमने कोई मनी नहीं दी अभी तक हम समझ रहे थे मनी कोई मनी मनी कोई नहीं नहीं दी हमने मनी नहीं दी तो हमने तो तो उस तो उसको आप ऐसे मान सकते हैं शॉर्ट में क्रक्स में कि उसको हम सप्लाई मानेंगे ठीक है चलिए तो उम्मीद होगी आपको सप्लाई का कंसेप्ट समझ में आया होगा पूर्ति समझ में आई होगी कि पूर्ति क्या बोलते हैं है ना आ जाते हैं वापस अपने पॉइंट पर तो सरल शब्दों में जीएसटी एक ऐसा कर है जो प्रतिफल और कीमत के बदले माल सेवाओं या दोनों की पूर्ति के कर योग्य मूल्य पर कर योग्य मूल्य मतलब टैक्सेबल वैल्यू जो जो टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है तो टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है कि जैसे आप मान लीजिए आपने माल बेचा आपने सेवा दी कितने की दी दस हजार रूपए की और कुछ भी नहीं दिया बस आपने एक माल बेच दिया वो दस हजार रुपए की वैल्यू ले ली दस हजार रुपए में माल बेच दिया और कुछ भी इसके अलावा कुछ नहीं दिया है ना ही कुछ लिया है तो अब ये जो दस हजार रुपए आपने लिए हैं विक्रय करा है ये दस हजार रुपए का जो आपने विक्रय करा है जो विक्रय करा है उस विक्रय को क्या बोला जाएगा उस विक्रय को बोला जाएगा कर योग्य मूल्य टैक्सेबल वैल्यू है ना कर योग्य मूल्य को क्या अगर इंग्लिश में हम बोले तो क्या बोलते हैं इसको कर योग्य मूल्य को टैक्सेबल वैल्यू क्या बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू मतलब एक ऐसी वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू का मतलब क्या कर योग्य मूल्य का मतलब एक ऐसी वैल्यू जिस पर क्या लगेगा अब जिस पर लगेगा टैक्स जिस पर क्या लगेगा जिस पर लगेगा टैक्स ठीक है तो कर योग्य मूल्य के ऊपर अगर हम कहें डायरेक्टली तो कौन सा सेक्शन लगता है तो सेक्शन पंद्रह लगता है सी जी एस टी एक्ट का सेक्शन पंद्रह में कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर है पूरा चैप्टर है इस पर भी कि कैसे कोई वैल्यू को जोड़ा जाएगा क्या नहीं जोड़ा जाएगा एक बड़ा पार्ट है अभी के लिए हमारे लिए हमारे क्या काम है? कि taxable value मतलब कर योग्य मूल्य टैक्सेबल वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू पर क्या लगेंगे प्रभावी दर से मतलब जो इफेक्टिव रेट है जैसे अभी अट्ठारह रेट हमने मानी थी तो इफेक्टिव रेट क्या हो गई वो अट्ठारह उस पर टैक्स लगा देंगे यह कर पूर्तिकर्ता द्वारा वस्तु और सेवाओं के मूल्य के साथ जोड़कर वसूला जाता है मतलब जो सप्लायर है जो पूर्ति करता है मतलब जो सप्लायर है जो सप्लाई कर रहा है जैसे अभी कौन कौन सप्लाई कर रहा था अभी वो दुकानदार ने माल बेचा था फिर हमने क्या समझा था इंजीनियर ने अपना नक्शा बना करके भेजा था तो इंजीनियर ने जो बीस हजार रुपए लिए थे है ना या दस हजार रुपए लिए थे तो वो जो पैसे ले रहा है अपनी सर्विस की उसके साथ क्या जोड़ेंगे जीएसटी भी वसूल करेंगे ठीक है जीएसटी वसूल करेंगे और फिर किसको पे करेंगे सरकार को जमा करेंगे तो इसलिए ही जो क्या होता है जो पूर्ति करता होता है मतलब जो सप्लायर होता है ठीक है मैं रब कर देता हूँ अब तो जो पूर्ति करता है या जो सप्लायर होता है उसको क्या बोलते हैं उसको एक एजेंट के रूप में मानते हैं सरकार का एक क्या मानते हैं इसको एजेंट मानते हैं क्यों ये क्या कर रहे हैं देखो हमारा जो एग्जाम्पल था एक मिनट जो हमारा एग्जाम्पल था एग्जाम्पल क्या था एग्जाम्पल था कि जैसे हमने क्या बनाई थी हमने बनाई थी वो शॉप शॉप ले लेते हैं वापस से हम ये मिस्टर ए की शॉप है ये किसकी शॉप है मिस्टर ए की ये मिस्टर ए की शॉप है ये रहे मिस्टर ए दुकान में बैठे हुए ना? अब यहाँ पर एक कस्टमर आया क्या कस्टमर आया मिस्टर जेड मिस्टर जेड अब दस हजार रुपए पर क्या लग जाएगा जीएसटी भी लग जाएगा तो सपोज करिए जीएसटी की रेट भी कितनी है जीएसटी की रेट भी अट्ठारह परसेंट तो कितने पैसे वसूल करेंगे ग्यारह हजार आठ सौ रूपए जीएसटी के साथ ये टीवी किसको दे दी ये टीवी जो है कस्टमर को दे दी अब ये दस हजार रुपए अपने पास रख लेंगे और जो अट्ठारह सौ रुपए इन्होंने जीएसटी के लिए ये किसको दे देंगे

दोनों सरकारें मिलकर के टैक्स लगाने का मतलब क्या है कि सी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही एक साथ टैक्स लगाती है क्योंकि देखिए क्या हो रहा था कि जीएसटी नॉर्मली क्या होता है कि सिंगल जीएसटी सिंगल जीएसटी में क्या होता है कि सारा जो पावर है वो किसके पास चले जाता है केंद्र सिंगल जीएसटी क्या होता है तो सिंगल जीएसटी डिवेल जीएसटी ये होता है कि जहां पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर के टैक्स लगाती है सिंगल जीएसटी सिस्टम भी होता है सिंगल जीएसटी सिस्टम क्या होता है सिंगल जीएसटी सिस्टम में सारा की सारा टैक्स कौन लगाती है केंद्र सरकार लगाती है तो दिक्कत क्या थी भारत में भारत में सारे लोग लगा रहे थे टैक्स जैसे वेट कौन लगाता था वेट लगाता था स्टेट गवर्नमेंट तो अब जो स... राज्य सरकारें वो ये तैयार नहीं हो रही थी इस बात के लिए क्यों तैयार नहीं हो रही थी क्योंकि देखिए कई बार होता है ना कि केंद्र में सरकार कोई अलग होती है राज्य में सरकारें अलग होती नॉर्मली यही होता है है ना आ, जैसे मान लीजिए अभी आप देखेंगे कि आ, अभी केंद्र में जो सरकार है वो किसकी सरकार है वो बीजेपी की सरकार है है ना मोदी जी की सरकार है बट अगर अभी हम अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में किसकी सरकार है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है स्टेट गवर्नमेंट में है ना और छत्तीसगढ़ में भी किसकी सरकार है छत्तीसगढ़ में भी स्टेट गवर्नमेंट कौन है कांग्रेस की जबकि सेंट्रल लेवल पर कौन है बीजेपी तो सरकारों को ये डर था कि अगर हमने सिंगल जीएसटी अपना लिया तो जो हमारा पार्ट है वो भी कौन वसूल करेगा केंद्र सरकार वसूल करेगा और फिर हमको कब पैसा मिलेगा कितना पैसा मिलेगा तो सरकार ये नहीं चाहती थी कि अपने पास से पावर जाए तो इसीलिए जो जीएसटी इतने सालों में लेट हुआ उसका कारण यही था कि जो राज्य सरकारें थी वो सिंगल जीएसटी के फेवर में नहीं थी वो चाहती थी कि डुएल जीएसटी आए डुएल जीएसटी का मतलब जब दोनों ही सरकारें मिलकर के टैक्स लगाएंगे मतलब जब भी टैक्स लगेगा तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं जैसे अभी जो Example, हम समझ रहे थे यहाँ पर इसको अगर हम रखें तो किस प्रकार से टैक्स लगता है जो अभी मैंने बताया ना कि जैसे सेल करी तो सेल पर अठारह परसेंट जीएसटी परसेंट जीएसटी इसका मतलब क्या है कि सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा अभी हम आगे इसको समझेंगे भी तो ये क्या होता है अट्ठारह परसेंट जीएसटी का मतलब ये होता है कि नौ परसेंट नौ सौ रुपए क्या है नौ सौ रुपए जो है सीजीएसटी है और नौ सौ रुपए ही क्या है नौ सौ रुपए ही एस जी एस टी है और ऐसे करके क्या है ऐसे करके ग्यारह हजार ग्यारह हजार आठ सौ रुपए जो है हम किससे वसूल करेंगे हम वसूल करेंगे हमारा जो कस्टमर है उससे मतलब क्या है मतलब जीएसटी कितना लगा 18 परसेंट लगा तो अट्ठारह परसेंट में नौ परसेंट किसका है सीजीएसटी मतलब ये पार्ट किसके पास जाएगा तो ये पार्ट जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किसके पास जाएगा केंद्र सरकार के पास सीजी के पास और ये जो पार्ट है स्टेट गवर्नमेंट ये पार्ट किसके पास जाएगा ये पार्ट जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास जो राज्य सरकारें हैं उसके पास जाएगा तो जब भी कोई टैक्स लगता है भारत में तो वो कौन सा टैक्स लग रहा है अभी जीएसटी दोहरा टैक्स मतलब जब भी आप कोई रेट देखेंगे तो वो रेट अगर अट्ठारह परसेंट है तो इसका मतलब क्या है अगर अट्ठारह परसेंट बोला जा रहा है इसका मतलब क्या है कि नो परसेंट क्या होगा नो परसेंट सीजीएसटी होगा नो परसेंट एस होगा अगर किसी ने बोला कि 5 GST की पांच परसेंट जीएसटी की क्या है पांच परसेंट जीएसटी होगा क्यों सरकार स्टेट गवर्नमेंट के पास तो जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के सारे पावर में आ जाएगा तो इसीलिए भारत में कौन सा टैक्स लागू किया गया डुएल जीएसटी लागू किया गया तो अब एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि भारत में किस प्रकार की टैक्स प्रणाली किस प्रकार का जीएसटी

ठीक है अर्थात केंद्र केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी है ना केंद्रीय जीएसटी का मतलब क्या हुआ अगर हम इसको लिखें तो सेंट्रल जीएसटी तो सेंट्रल जीएसटी को अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा सीजीएसटी और राज्य जीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी तो हम क्या लिखेंगे एस जीएसटी ठीक है इसे लागू करने के लिए केंद्रीय जीएसटी अधिनियम लागू किया गया तो केंद्रीय जीएसटी अधिनियम कौन सा है सेंट्रल सेंट्रल जीएसटी जिसको बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी अधिनियम 2017 लागू किया गया था और राज्य सरकारों ने अपना लागू करने के लिए मतलब कौन सा सीजीएसटी लागू करने के लिए कौन सा एक्ट लगा था ये वाला केंद्रीय जीएसटी और स्टेट एक्ट हर एक स्टेट ने अपना फिर एक्ट बनाया क्या लागू करने के लिए ये एस लागू करने के लिए मतलब स्टेट जो जीएसटी टैक्स है उसके लिए हर एक राज्य ने अपना जीएसटी अधिनियम लागू किया ताकि वो क्या लगा सके ये स्टेट आ, मतलब इस, स्टेट जीएसटी या एस जीएसटी लागू कर सके ठीक है अब देखिए एक पॉइंट है कि कैसे सरकार ने धीरे धीरे कर करके अपना दायरा बढ़ाया टैक्स का तो उसके लिए ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में आ, रखेगा मतलब इस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है बट ये इसलिए आपको मैंने ये पॉइंट रखा था ताकि आपको याद रहे कि देखिए किस प्रकार से धीरे धीरे सरकार ने क्या करा टैक्स का दायरा बढ़ाया शुरू में सरकार ने टैक्स कम चीजों पर लगाया था एग्जम्पन ज्यादा दिया फिर क्या हुआ धीरे धीरे सरकार ने एग्जम्पन कम करे और चीजों को अपने दायरे में लाते गए और अब दिन पे दिन इसलिए आप देखेंगे कि जीएसटी का जो कलेक्शन है वो बढ़ता जा रहा है तो जैसे अट्ठारह जुलाई दो को क्या करा था पैक्ड अनाज सबसे पहले क्या हुआ था इसका एक दिन बाद नोटिफिकेशन आया था इसलिए मैंने क्या हुआ था कि सरकार ने ये लिखा था कि अब अनाज खाद्यान्न दाले दही पनीर जैसे जन उपयोगी वस्तुओं पर भी क्या लगाया था जीएसटी लगाया था तो जो सर्कुलर आया था तो उसमें क्या लिखा था उसमें कुछ इस तरह से लिखा था मतलब क्या दिख रहा था उसमें जो पढ़ने में आ रहा था पढ़ने में क्या आ रहा था कि अनाज हुआ खाद्यान्न हुए दाल हुए दही हुए पनीर हुए ये सब पर क्या लगेगा अब जीएसटी लगेगा तो इसका थोड़ा सा क्या हुआ था एकदम से जैसे ही ये नो, नोटिफिकेशन आया आ, कि अब इस पर दाल और दही दूध पनीर इन सब पर भी जीएसटी लगेगा तो सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा प्रक्रिया गई लोगों की तरफ से कि सरकार क्या चाहती है कि एक आम व्यक्ति अब दूध भी ना पिए एक आम व्यक्ति दही भी ना खाए एक आम व्यक्ति दाल भी ना खरीदे इस तरह का सरकार को लोगों की तरफ से रिएक्शन झेलना पड़ा था अपोजिशन से भी रिलेक्शन रिएक्शन झेलना पड़ा था दबाव गया सरकार के पास तो फिर सरकार ने क्लैरिफाई किया कि ये जो टैक्स लगा है अनाज पर टैक्स लगा है खाद्यान्न पर टैक्स लगा है दालों पर दही पर पनीर पर टैक्स लगा है ये लूज पर नहीं लगा ये किस पर लगा है पैक्ड पर तो पैक्ड में भी उन्होंने बोला था जो ब्रांडेड है मतलब किसी ब्रांड के अंतर्गत आ रहा है जैसे अगर आप बोलेंगे सर पैक करके तो द, पनीर वाला भी हमको थैली में पैक करके ही दे रहा है बट वो ब्रांडेड नहीं है तो इस पर फिर क्या करा था सरकार ने नोटिस फिर वापस से क्लेरिफिकेशन जारी करा और उसमें ये बोला था कि भैया जो पनीर पैक होकर के आएगा ब्रांड से आएगा जैसे अमूल का पनीर आप खरीदेंगे ना तो उस पर अब जीएसटी देना है मतलब अगर आप अपने आसपास की दुकान से जो हम दूध खरीदते हैं दही खरीदते हैं उस पर टैक्स नहीं लगेगा बट अगर आप पनीर कहां से खरीद रहे हैं uh, अमूल का खरीद रहे हैं है ना मदर डेयरी का खरीद रहे हैं सांची का खरीद रहे हैं तो आपको टैक्स लगेगा ऐसे ही दाल अगर आप दुकानदार छोटे दुकानदार से अपने आसपास के दुकानदारों से लेकर के आ रहे हैं थैली में वो दे रहा है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा बट यही आप टाटा की खरीद रहे हैं यही आप किसकी खरीद रहे हैं आशीर्वाद का आटा खरीद रहे हैं तो उस पर क्या लगेगा अब उस पर जीएसटी लगेगा सरकार फिर वापस से क्लेरिफिकेशन लेकर आएगी कि भैया सब पर नहीं लगेगा जो ब्रांडेड जो पैक्ड है उन पर ही लगेगा ठीक है तो ये इस प्रकार से देखिए सरकार ने धीरे धीरे क्या करा जीएसटी का दायरा बढ़ाया तो अब ये है, मैंने पॉइंट वाइज आपको लिख दिया है चीजों को समझते जाएंगे और समझते जाएंगे तो सबसे पहला क्या है एक देश एक कर जीएसटी का जो मूल मंत्र है वो क्या है मतलब सरकार क्या चाहती है कि जैसे हमारा एक देश पूरा भारत देश एक बार में हम देखते हैं ऐसे ही हमें इस पर जो टैक्स भी लगाना है वो एक ही टैक्स होना चाहिए मतलब सरकार का जो अल्टीमेट मोटो है वो क्या है कि सब पे जीएसटी होगा मतलब एक दिन ऐसा है कि केवल जीएसटी ही आपके दिमाग में रहे इनडायरेक्ट टैक्स के संबंध में और कुछ भी ना हो जैसे अभी हम देखते हैं कि जो ह्यूमन कंजम्पशन है आ, के लिए अल्कोहल है दारू जो होती है उस पर अलग टैक्स लग रहा है और जो पेट्रोल डीजल है इन पर भी टैक्स अलग लग रहा है तो सरकार चाहती है एक दिन से जरूर आएगा जिस दिन केवल क्या लगेगा पूरे देश में जीएसटी लगेगा इसके अलावा कोई नहीं लगेगा तो कब लागू किया गया था तो जुलाई 1 2017 को 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछा जाएगा और 1 जुलाई भी याद रखिएगा क्यों क्योंकि अगर अगर एग्जामिनर को यह क्वेश्चन पूछन पूछना हुआ तो वो एग्जाम ऑप्शन में आपको यह देगा 1 जुलाई 2 जुलाई 3 जुलाई 4 जुलाई ठीक एक तो ये दे सकते हैं ऑप्शन में कि जीएसटी कब लागू किया गया भारत में या तो वो ऐसा दे देंगे एक जुलाई दो जुलाई तीन जुलाई चार जुलाई ताकि आपको याद हो कि भैया एक जुलाई को हुआ था दूसरा वो क्या दे सकते हैं एक जुलाई एक जुलाई 2017, हजार एक जुलाई 2018, हजार एक जुलाई दो हजार एक जुलाई दो या एक जुलाई दो इस प्रकार का दे सकते हैं एग्जामिनर क्वेश्चन अगर क्वेश्चन एग्जामिनर को ये पॉइंट पर पूछना होगा एक सरल क्वेश्चन पूछना होगा तो वो थोड़ा सा ट्रिकी डालने के लिए ये डाल सकते हैं क्या पूछ सकते हैं कि लागू हुआ तो वो दे देंगे जुलाई जुलाई तो आपको पता होना चाहिए से से लागू हुआ ठीक है जिस दिन से हमारे स्कूल खुले उस दिन से सरकार ने जीएसटी चालू कर दिया था इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं कि जिस दिन से बच्चों के स्कूल खुले या जिस दिन से हमारे स्कूल खुलते थे एक जुलाई को तब से ये जीएसटी लागू हुआ तो आपको ये एक जुलाई याद रह जाएगा ठीक है दो ठीक है तो ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर ने पूछा तो वो इस प्रकार से क्वेश्चन ड्राफ्ट करके बनाएंगे इस प्रकार से क्वेश्चन ड्राफ्ट करेंगे तो ध्यान रखना ठीक है चलिए आ जाइए वापस से निर्माता उत्पादकों निवेशकों और उपभोक्ताओं के हितों के लिए माल वस्तु और सेवाओं कर को मुक्त परिचालन हो सके मतलब क्या हो हो सके मुक्त मतलब आराम से ये लागू हो, कोई दिक्कत ना आए सब चीजें सार्वजनिक कोषों का प्रयोग कुशलतापूर्वक सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति और सतत विकास के लिए किया जा रहा है मतलब क्या थी सरकार जीएसटी क्यों लाई ताकि उसके पास बड़ा आराम से पैसा आए ज्यादा पैसा आए और ताकि क्या हो जो जो उनको समाज के लिए काम करना है जैसे पुल बनाने ये सब वो हो ठीक है जो आईएमपी पॉइंट क्या है आईएमपी पॉइंट ये है जहां से एग्जाम में वापस से क्वेश्चन आ सकता है क्या है कि जीएसटी जीएसटी वस्तु और सेवा करके खपत पर एक गत व्यंग आधार आधारित कर है ठीक है इसका इंग्लिश वर्जन कंफर्म याद रखिएगा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस अब डेस्टिनेशन बेस्ड uh, जो है ये किसका मतलब क्या हुआ कि कहां से उस पर बेस्ड होकर के ये टैक्स लगता है तो उसको क्या बोलते हैं खपत पर गतिवैंक आधारित टैक्स होता है तो ध्यान रखिएगा जीएसटी इज बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कौन सा बेस्ड टैक्स है ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन की इसका डेस्टिनेशन कहाँ है कहां पर इसको कंज्यूम करा वहां पर ये टैक्स लगेगा वहां पर ये टैक्स लगेगा तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं एग्जाम में क्वेश्चन इस पॉइंट पर जरूर आ जाएगा तो ध्यान रखिएगा कौन सा टैक्स है ये तो एक जीएसटी वन इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब गत बैंक पर आधारित मतलब जहां पर ये जाएगा अल्टीमेटली कहां पर पहुंचेगा वहां पर इसकी डिसाइड होगा कि ये टैक्स क्या लगेगा इस पॉइंट को मैं अभी आगे चल करके आपको डिटेल में समझा दूंगा जब हम सी जी को समझेंगे तो डेस्टिनेशन बेस्ड अभी मैं एक आपको क्रक्स में दो मिनट में समझा देता हूँ कि देखिए डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए हमने एक माल बेचा ये मिस्टर मिस्टर आर है मिस्टर ए है ये मिस्टर बी है मिस्टर ए भी कहाँ रहते हैं एमपी में रहते हैं मिस्टर बी भी एमपी में रहते हैं

का बेनिफिट मिलने वाला मतलब किसके पास जाएगा ये स्टेट गवर्नमेंट वाला पार्ट तो एमपी गवर्नमेंट के पास जाएगा सीजीएसटी किसको मिलेगा मतलब एमपी गवर्नमेंट को मिलेगा ठीक है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं डेस्टिनेशन मतलब बेचने वाले को नहीं देखना यहाँ पर यहाँ बेचने वाला कौन है इससे मतलब नहीं है भैया हमको खरीदने वाला कहाँ का है खरीदने वाला ये गुड्स लेकर के कहा चला उसको ध्यान में रखना है मतलब हमारा मेन फोकस किस पर रहेगा हमारा मेन फोकस इस व्यक्ति पर रहेगा कंज्यूमर पर रहेगा तो डेस्टिनेशन की हमारी जो है, जो माल है, जो गुड्स है है माल सेवा है वो कहा जा रही है ये जरा बताओ भैया आप जैसे ठीक है ऐसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और अभी मैं जब सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी पढ़ाऊंगा जब मैं इस कंसेप्ट को आपको डिटेल में और बता दूंगा तो जैसे देखिए क्या हुआ यहाँ पर एक और एग्जांपल एक ले लेते हैं कि जैसे ये सी जी मतलब छत्तीसगढ़ का एक व्यापारी है व्यापारी का नाम क्या है मिस्टर बी अब मिस्टर बी व्यापारी है किसके व्यापारी है तो भैया बाइक बेचते हैं क्या बेचते हैं बाइक बाइक की सेल करी इन्होंने अब इनको कॉल आया है ना या बाइक की सेल या चलिए बाइक की सेल हम नॉर्मली आसपास खरीदते हैं तो हम इसको रख लेते हैं मोबाइल ठीक है मोबाइल अब ये जो एमपी के पर्सन है क्या नाम है इनका मिस्टर सी मिस्टर सी एम के पर्सन है इन्होंने इनको कॉल करा किसको कॉल करा मिस्टर बी को कॉल करा और उनसे कहा कि भैया एक ऐसा करिए एक आईफोन मुझे भेज दीजिए तो इन्होंने कहा ठीक है सर मैं भेज देता हूं तो अब आईफोन कहाँ से बेचा जा रहा है सेल कहाँ से हो रही है ये कहाँ पर है सीजी में रायपुर समझ लीजिए छत्तीसगढ़ में रायपुर में रहने वाले हैं ये मिस्टर बी तो रायपुर में इनकी शॉप है ये रायपुर में इनकी शॉप बनी हुई है यहाँ पर ये बैठे थे इनके पास फोन आया मिस्टर सी का कि मुझे एक आईफोन भेज दीजिए इन्होंने इनको आईफोन भेज दिया और बदले में इनसे पैसे ले लिए आईफोन कितने का था तो आईफोन था सत्तर हजार रूपए का ठीक है ये इन्होंने सत्तर हजार रुपए इनको दे दिए अब जो यहाँ पर सत्तर हजार रुपए इन्होंने इनको पे करे हैं जो सत्तर हजार रुपए इन्होंने यहाँ पर इनको पे करे हैं तो अब ये आईफोन कहां पर आ गया ये आईफोन आ गया एमपी में ये आईफोन कहां पर आ गया एमपी में ये व्यक्ति एमपी में चलाएंगे तो अब ये सेल भले ही छत्तीसगढ़ से हुआ है पर इस इस जो सेल हुई है उसका डेस्टिनेशन इस गुड्स का डेस्टिनेशन क्या माना जाएगा एमपी माना जाएगा तो वो जो हमने अभी पढ़ा था ना 18 परसेंट अगर जीएसटी लगा है तो 9 परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और 9 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा ये अभी हम पढ़कर अभी हमने समझा कंसेप्ट सीजीएसटी और एस का है ना सी और एस का तो ये यहाँ पर जो ये पर्सन को अब ये कौन है ये जो सीजीएसटी वाला पार्ट है ये जो नौ परसेंट है ये किसको मिलेगा बेचा तो किसने छत्तीसगढ़ सरकार से पर ये खरीद कहां पर पहुंचा है ये पहुंचा है MP में तो ये जो नौ परसेंट वाला पार्ट है ना ये किसको मिलेगा ये मिलेगा किसको ये मिलेगा राज्य सरकार को कौन सी राज्य सरकार को तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार को क्यों क्योंकि ये कहाँ आ रहा है ये कहाँ पर मिल रहा है ये मिल रहा है ये कहाँ पर कंज्यूम हो रहा है ये प्रोडक्ट का उपयोग कहाँ पर हो रहा है ये प्रोडक्ट का उपयोग यहाँ पर हो रहा है तो ये बहुत बड़ा चेंज था ये बहुत बड़ा डेफिनेशन थी तो 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 मिलेगा? मिलेगा राज्य सरकार को कौन सी राज्य सरकार को जहां पर गुड्स पहुंची है जहां पर गुड्स का उपयोग हो रहा है जहां पर गुड्स कंज्यूम हो रही है समझ में आई बात जबकि बेचा कहा से था सीजी ने बेचा छत्तीसगढ़ सरकार ने था है ना इससे पहले अगर होता तो छत्तीसगढ़ सरकार को पैसे मिल जाते बट अब यहाँ पर मिल रहे

बिना इसके ड्राफ्ट कर क्वेश्चन नहीं करेगा क्वेश्चन जरूर वो पूछेगा क्योंकि उसको भी पता है कि हर एक बच्चा बैठेगा तो उनको यही जानना होगा कि जीएसटी में इसको ये पता है कि नहीं तो समझ में आई बात तो ये ये इसको मोस्ट टाइम पे लगा लीजिए हंड्रेड परसेंट चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर दिखेगा ठीक है चलिए जीएसटी के लागू होने से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पारित बहु अप्रत्यक्ष कर क्या होगा निरस्त हो गए ये सब समाप्त हो गए इनकी जगह ये आ गया कर दिए गए जिनके परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश में एक संयुक्त बाजार में परिवर्तित हो सकता है मतलब क्या होगा कि एक फिर एक बाजार हो जाएगा क्योंकि एक टैक्स रहेगा तो कोई कहीं भी खरीदे कहीं भी बेचे कोई दिक्कत नहीं आएगी सब चीजों को उसको ज... क्रेडिट मिलेगा बढ़िया से तो ये बढ़िया हो जाएगा इससे जीएसटी लागू होने से व्यापार करने में सुगमता का बढ़ावा मिलेगा सुगमता को क्यों बढ़ावा मिलेगी अभी हमने देखा था व्यापारी कितना परेशान हो रहा था कि वो सेवा दे रहा है तो उसको सर्विस टैक्स देना है ये देना है और अब क्या देना है जीएसटी देना है और इससे राजस्व में भी क्या होगी वृद्धि होगी और ये तो कंफर्म हो रहा है मतलब यहां पर भले ही बात हमें थ्योरिकल समझ में आ रही है बट एक्चुअल में ऐसा हुआ है कि सरकार लगातार जो उसका जीएसटी कलेक्शन है वो बढ़ता जा रहा है ठीक है

है ना तो इसमें यह भी ध्यान रखना सत्रह आप प्रत्यक्ष करें सत्रह में आठ कौन से हैं केंद्र सरकार केंद्रीय हैं और सात कौन से हैं राज्य स्तरीय और तेवीस क्या है उपकर है ठीक है ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ध्यान रखिएगा जीएसटी केंद्रीय जीएसटी सीजीएसटी और राज्य जीएसटी का समावेश है ठीक है जीएसटी क्या है दो चीजों का समावेश है दो चीजों का समावेश कौन कौन है इसमें सॉरी एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी ठीक है तो ये दोनों का समावेश होकर के ये आता है ये कैसा टैक्स है तो एक मूल्य संकलन प्रत्येक स्तर पर होता है मतलब जो इसमें वैल्यू वेल्य, जो वैल्यू एडिशन होता है वैल्यू एडिशन होता है वो क्या होता है वैल्यू एडिशन हर एक स्टेज पर होता है और हर एक स्टेज पर ही क्या होता है इस पर टैक्स भी कैलकुलेट होते जाते हैं ठीक है थीके? भारत क्या है भारत एक संघीय देश है जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों को उचित विधान द्वारा कर अधिकरण और संग्रहण की शक्तियां प्रदान की गई है ठीक है तो क्या है इंडिया एक फेडरल कंट्री है ना फेडरल कंट्री है तो फेडरल कंट्री में क्या होता है फेडरल कंट्री में क्या हुआ था कि जो टैक्स लगाने का राइट है जो मैंने आपको बोला कि भारत के संविधान में किसको दिया है भारत के संविधान में दोनों ही सरकारों को यह पावर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दिया था और स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दिया था कि भैया आप लॉ बनाइए टैक्स वसूल करिए आपके पास ये राइट है ठीक है देश के देश को चलाने के लिए आपको पैसे की जरूरत है वो यहां से लीजिए ठीक है तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज, ज, क्या बनाया आयकर बनाया है ना आयकर बनाया और अब जीएसटी बनाया और ऐसे स्टेट गवर्नमेंट ने पहले वेट बनाया था और अब उसने उन्होंने क्या करा जैसे ये बना लिया सीजीएसटी लग रहा है वो एक्ट कहाँ से बनाए स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर था जो अल्कोहलिक गलूकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर वो जो टैक्स लगाती है स्टेट टैक्स जिसको स्टेट टैक्स बोलते हैं स्टेट ड्यूटी बोलते हैं वो भी कहाँ से आती है वो भी इसी राइट के कारण आती है ठीक है तो ये सरकार को कहाँ से मिला राइट यहां से मिला ठीक है भारत में कौन सा जीएसटी लागू है तो भारत में ड्यूअल जीएसटी लागू है ठीक है ये बात ध्यान रखना कौन सा जीएसटी लागू है ड्यूअल जीएसटी इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है दोहरा जीएसटी के प्रा, को प्रारंभ करने के लिए संविधान में आवश्यक संशोधन किए गए ताकि इस प्रकार के संग्रहण और उद्ग्रहण और संग्रहण मतलब लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स के लिए, के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक साथ सशक्त किया गया देखिए क्या था कि पहले जब मतलब भारत के संविधान ने दोनों ही सरकारों को अलग अलग राइट दिया था कि भैया केंद्र सरकार आप अपना टैक्स बनाइए और वसूल करिए ए लॉ बनाइए और वसूल करिए केंद्र राज्य सरकार आप अपना टैक्स बनाइए लॉ बनाइए और टैक्स वसूल करिए दोनों को एक साथ कभी नहीं मतलब दोनों को एक एक पार्टी में बनाने का कभी भी इस तरह का नहीं था तो उसके लिए क्या किया गया हमारे जो संविधान था उसमें संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद ये क्या हुआ इम्पैक्ट में कि अब दोनों ही सरकारें मिलकर के जीएसटी लगाती हैं ये हो जाता है ठीक है अब ये तीनों चीजें हैं जिनको हमको समझना है तो इनको हम समझेंगे ठीक है तो इनको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा और इसके साथ आपका जो बेसिक कंसेप्ट है जिस पर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये तीनों चीजें ये तीनों चीजों को मैं आपको डिटेल में है ना आधा घंटा लगेगा हमें आधा से आधे घंटे से पैंतालीस मिनट वो है ठीक है कई बार थोड़ा सा टॉपिक डिटेल में पढ़ाने से थोड़ा सा टाइम लगता है बट वो उसका मेरा बेसिक पर्पस ये रहता है कि आप इतना समझ लीजिए कि एग्जाम में जब ये छोटे क्वेश्चन आए तो आप एक बार में बना ले जाए ठीक है अब हमारा क्या पार्ट बताए बेसिक में तो हमारा पार्ट बताए कि सी जी क्या होता है एस जी क्या होता है ना और आई जी क्या होता है ये कब कब लगते हैं है ना ये कब कब लगते हैं ठीक है थीके? ये कब कब लगते हैं इन पर भी हम समझ लेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे जो हमारा पार्ट है ठीक है तो उम्मीद होगी कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी ये पॉइंट भी पढ़ा ही देता हूं मैं ताकि हम नेक्स्ट क्लास में जो है केवल क्या का करेंगे सीजीएसटी कवर एस करेंगे तो देखिए अतः केंद्र सरकार द्वारा सीजीएसटी और आईजीएसटी का आ, मतलब क्या है लेवी और कलेक्शन ठीक है है ना कलेक्शन राज्य सरकार द्वारा सीजीएसटी है ना आ, का क्या किया जाता है आ, आ, लेवी की जाती है है ना और कलेक्शन किया जाता है संग्रहण का मतलब कलेक्शन किया जाता है है ना और सीजीएसटी और आईजीएसटी है ना किसके द्वारा लगाई जाती है जो सीजीएस जो सीजीएसटी और आईजीएसटी कौन लगाता है तो सीजी और सीजीएसटी और आईजीएसटी जो है केंद्र सरकार लगाती है ये दोनों ही कौन लगाता है ये लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है और एसजीएसटी कौन लगाते हैं एसजीएसटी लेवी और कलेक्टेड बाय किसके बाद होता है स्टेट गवर्नमेंट के बाद होता है तो अगर हम इसको एक चार्ट में बनाएं तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि देखो जीएसटी जीएसटी को अगर हम करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अलग अलग पार्ट के हिसाब से ताकि आपको याद रहे तो देखो जो सी जी एस टी है और आई है ठीक है आई जी एस टी है ये दोनों कौन लगाता है ये दोनों लेवी और कलेक्ट कौन करता है तो लेवी मतलब वो लगाने का काम और कलेक्ट करने का काम दोनों ही कौन करता है तो ये दोनों ही काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कौन करता है सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार और एस जी एस टी एस जी एस टी ठीक है एस जी एस टी कौन लगाता है तो एस जी एस टी लगाता है, रखना, में इस पर भी जा सकता है कि यही वाले पॉइंट पर कि एस जी एस टी और आई जी एस टी कौन लगाता है और कौन लगाता कौन है और कलेक्ट कौन करता है इससे टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एस जी एस टी कौन लगाता है तो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट लेवी भी, भी यही करते हैं और कलेक्ट भी यही करते हैं भारत में क्या है दोहरा जीएसटी के लेबी और कलेक्शन के लिए केंद्र और राज्य सरकार क्या हुआ एक साथ सतक्त किया गया मतलब दोनों को पावर दिए गए और उसके परिणाम क्या जो हमको तीन तरह के हम वो देखते हैं जीएसटी के प्रकार एक तो सी जी एस और आई ठीक है आई है ना और एस में एक और पॉइंट होता है यू है ना यूनियन uh, टेरिटरी जो होती है उनकी जगह यूनियन टेरिटरी तो इसलिए स्टेट की जगह यू आ जाता है यहाँ पर है ना यूनियन टेरिटरी बोलते हैं तो यू जी भी बोलते हैं है ना यूनियन टेरिटरी जो हमारे यहाँ है उस यूनियन टेरिटरी पर जब जीएसटी लगाते हैं तो वहां पर एस जी की जगह क्या हो जाता है वहां पर एस जी की जगह हो जाता है यू जी यूनियन टेरिटरी में जो जब जीएसटी लगता है तो उसको बोलते हैं यू जी तो मेनली जो है मतलब वो भी क्या स्टेट गवर्नमेंट वाले ही पार्ट है तो इसलिए जो तीन तरह के टैक्स होते हैं तीन तरह के जीएसटी हमने को देखने को मिलता है एक होता है सीजीएसटी एक होता है एसजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी तो एस जी एस टी क्या होता है एस जीएसटी जो कौन लगा रही है एस जीएसटी केंद्र सरकार आई जीएसटी कौन होता है आई जी एस टी कौन होता है जो कौन लगाती है केंद्र सरकार एस जीएसटी कौन होता है जो कौन लगाती है राज्य सरकार तो ये तीनों को ही हम एग्जाम्पल लेकर के कल समझ लेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और हमारा पूरा जीएसटी का जो बेसिक पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेंगे तो उम्मीद होगी आपको ये क्लास समझ में आई होगी क्लास अच्छी लगी होगी तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा नमस्कार